हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक ट्यूबर सारा। तो आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावलों के कटलेट्स। हर किसी घर में थोड़े से चावल बचे ही जाते हैं रात के बनाए हुए, तो हम उसको क्या करेंगे, ये 1 कप चावल है, इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमें मोटा मोटा सा पीस लेना है। उसके बाद हमने इसको एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं, जैसे कि गाजर, प्याज, हरा धनिया और शिमला मिर्च, और एक आलू है जिसको मैंने कद्दूकस करके पानी में रख दिया है। तो सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें डाल देंगे, और सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो भी आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आधा कप सूजी ले ली है, ये बारीक वाली सूजी है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून चाट मसाला और 1/4 स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, और उसके बाद हम आलू को ऐड कर देंगे। हल्दी डालना भूल गए थे, यहाँ पर 1/4 स्पून हल्दी डाल दी है, और अच्छे से उसको हम मिक्स कर लेते हैं। हाथों को ग्रीस करेंगे, इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको टिक्की का शेप दिया है, और शेप देकर इसको रख लीजिए, और उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लीजिए। तो फटाफट से हमारे बचे हुए चावलों के कटलेट बनकर तैयार हैं। तो ये फटाफट से वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरे चैनल तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू एंड बाय।